दोस्तों इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, इसके पास दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी है। और वही दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलंटियर मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी इस समय भारत में ही है। यहाँ तक यूरोप के दर्जन भर देशों की पूरी जनसंख्या से ज्यादा तो केवल भारत के पास फौजी ही मौजूद है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भी सबसे पहले नंबर पे है, लेकिन अपने डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने से ज्यादा बेहतर होता है हमेशा कि अपने खुद के तकनीक के दम पे हथियारों का निर्माण किया जाए। और अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो भी कमी हो रही थी इंडिया के पास हथियार खरीदने में, वही उसने पूर्ति करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही बनाऊं। तो भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हथियार खरीदने के बजाय अपने ही देश की डोमेस्टिक कंपनियों व तकनीकों के हथियार निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी अमेरिका की तरह आगे चलकर दुनिया के कई देशों को अपने हथियार बेचेगा और एक्सपोर्ट करेगा, और इससे भारत के संबंध भी उन देशों से मजबूत होंगे और साथ ही वो अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग मिलेगा। एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका और चाइना और तुर्की के दम पर भारत की नाक में दम करने से बाज नहीं आते तो सब जानते हैं। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना होगा, लेकिन वर्तमान भारत सरकार ने इस समय रहती हुई अपनी आवश्यकताओं को पहचाना और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व मंच पर भारत की बढ़ती छवि के रूप में सबको दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के तीनों ब्रांचेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के फायर पावर कितनी है और क्या क्या शक्तिशाली विमान और हथियार मौजूद हैं और आगे चल के वो कितने बढ़ने वाले हैं। डिफेंस नॉलेज आपकी बढ़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन हम शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद या जनरल अनिल चौहान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिख कर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना दोस्तों और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। एक देश की सेना को डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होनी चाहिए। इस संबंध में काफी बेहतर है कि अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियंस में हो, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एक वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया की टॉप देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीबन 70 बिलियन डॉलर के आसपास अपने डिफेंस पर स्पेंड किया है और उस पर योजना बनाई है। ये आंकड़े आगे चलकर कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की संख्या जो है दोस्तों वो 14.5 लाख से भी ज्यादा है। 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद है। वही इनसे कहीं ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद है। मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि ये आंकड़ा चीन या पाकिस्तान के मुकाबले कम है, लेकिन भारत के पास अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जमीन, जल और हवा तीनों दुश्मनों की सीमा तक डिलीवर करने की क्षमता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की तो दोस्तों फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की करीबन 4,600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रूशियन T-90 भीष्मा और इसके अपग्रेड्स वर्जन। अपनी खुद की अर्जुन मेन बैटल टैंक्स की मार्क 1 वेरिएंट की 100 से ज्यादा यूनिट्स और इसके मार्क 1A के वेरिएंट के भी 118 यूनिट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2,400 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। रूशियन T-72 अजय टैंक की शुरू हो गया है, लेकिन क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है इसलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। आगे चलकर भारत T-72 अजय टैंक्स को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की 1,770 से ज्यादा यूनिट से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना बना रहा है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग वॉरहेड्स की तो भारत के पास फिलहाल BMP
टू इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद है दोस्तों, जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के माध्यम से इन्हें रिप्लेस करेगा। इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अलावा भारत के बाद फॉरेन व लोकल कंपनी माध्यम से प्रोड्यूस किए गए करीबन 9,000 से 10,000 पर्सनल कैरियर्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपल्ड की करीबन 100 यूनिट भारत के पास मौजूद है। भारत साउथ कोरियन K9 वज्रा सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरीज को इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 यूनिट के ऑर्डर और दिए जाना है, जिनका निर्माण भारत ने LNT द्वारा लोकल लाइसेंस पर प्रोड्यूस किया जाता है। वही बात करें यानी फील्ड हेविटर्स की, तो इसके करीबन 3,500 यूनिट्स भारतीय आर्मी के पास मौजूद हैं। इंडिया ने इजराइल द्वारा सोवियत समय की M-46 सुरंग फील्ड गन्स को अपग्रेड किया है। हैंस फील्ड गन भी भारत के पास 1,700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। इसके अलावा भारत DRDO के माध्यम से एडवागन सिस्टम इसे भी तैयार कर चुका है और इसका ट्रायल अभी चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद इसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडिया आर्मी के पास होंगे। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1,500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है 900 से ज्यादा स्मर्ज 95A मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का। इसके अलावा 300 के करीबन रॉकेट लॉन्चर, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। 21 ग्रेनेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी भारत के पास फिलहाल मौजूद है। इन्हें धीरे धीरे विनाता के माध्यम से रिप्लेस किया जा रहा है। अजाकन शब्दा के अलावा भारत के पास अपने डिफेंस के लिए भी काफी सारे सिस्टम मौजूद हैं। इनमें भारत के पास दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मौजूद है, जो कि जमीन से 1,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी मूविंग टारगेट को तबाह करने की शक्ति रखता है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस एयर डिफेंस मौजूद। हैस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की भी कंप्लीट टेस्टिंग भारत कर चुका है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, आगे चलकर भारत इसकी और भी ज्यादा अपग्रेडेशन करना शुरू कर देगा, और जो कि रशिया से खरीदता है भारत। ये 400 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखती है। ये लॉन्ग व मीडियम रेंज दोनों के लिए भारत के पास है, जो कि भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मीडियम रेंज के अलावा भारत के पास काफी सारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। भारत का अपना खुद का ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 10 से 25 किलोमीटर की रेंज के लिए काफी है और इस सरफेस और हवा दोनों में अटैक कर सकता है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी जान के आपको भारत के आर्मी पे और भारत देश के ऊपर गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर एक व्यक्ति को मालूम पड़े कि इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी और शक्तियां क्या क्या है। धन्यवाद।